आदमी को सब अधिकार होता है ये, हर व्यक्ति अपने बेहतरी के लिए सोचता है। जो निर्णय उन्होंने लिया मेरी समझ के परे है कि वो व्यक्तिगत लाभ के लिए था या वो पार्टी के हित में था, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से उनकी पार्टी में एक फूट देखने को मिली उन्हीं की पार्टी के एक और, इसका बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। कोई भी महापुरुष हो सकता है आप उनके विचारों के साथ सहमत हों, आप उनके विचारों के साथ सहमत नहीं हों, पर इस तरीके से किसी की स्थापित मूर्तियों को इस तरीके से तोड़ना और उसके बाद एक के बाद एक ये सीरीज बन जाती है, एक्शन रिएक्शन हम लोगों ने देखा कि उसके बाद पूरे देश भर में विभिन्न प्रदेशों में जिस तरीके से एक के बाद एक श्यामा मुखर्जी की उसके बाद मूर्ति को खंडित किया गया, पेरियार की मूर्ति को खंडित किया गया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, तो ये तो एक सीरीज चेन ऑफ सीरीज बन जाएगी। तो इस तरीके की कोई भी घटना जो कि असामाजिक हो, जो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई हो, उसका कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। जिस तरीके से लेनिन की मूर्ति भी वहां पे गिराई गई, जैसा मैंने कहा कि आप किसी की विचारधारा के साथ सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं, पर असहमति का ये तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से आप कानून को अपने हाथ में लेंगे और इस तरीके से अहिंसा फैलाएंगे।